उस वक्त रविंद्र जडेजा गुस्से में आग बबूला हो उठे जब उन्होंने डेविड मिलर के कॉट बिहाइंड नॉट आउट के खिलाफ डीआरएस लेने का इशारा किया। पर हैरानी की बात तो यह रही कि अंपायर डीआरएस एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। साफ साफ दिखाई दे रहा था कि डेविड मिलर आउट थे, पर अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया। भारतीय खेमा साउथ अफ्रीकन पैनल से खुश नहीं थे। तभी रविंद्र जडेजा अंपायर की तरफ गुस्से में बढ़े और फिर वो घटित हुआ जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की इंजुरी के बाद रविंद्र जडेजा ने कप्तानी का भार संभाला और फटाफट सभी को आउट भी कर रहे थे। तभी साउथ अफ्रीकन एम्पायर ने डेविड मिलर का यह मोटा एज भी नॉट आउट दे दिया। पता चला कि ठीक उसी वक्त डीआरएस की मशीन भी बंद पड़ गई। रविंद्र जडेजा डीआरएस लेने के लिए अंपायर से कुछ इस तरह बहस करते दिखाई दिए। वैसे आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब साउथ अफ्रीका ने ऐसा किया हो। आपको इसमें कुछ कहना तो होगा ही, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।